अस्सलामुअलैकुम, हमारे किचन में वेलकम। और आज हम बनाएंगे चिकन ब्रोस्ट रेसिपी, जिसके लिए मैंने हाफ के जी चिकन। लिए जिस पे कट लगा लिए अच्छी तरह से धो के, और इसे ड्राई भी कर लिया है मैंने। और जिसमें मसाले जो जाने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ, वो ये हैं। काली मिर्च का पाउडर है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। और ये चिकन पाउडर है। नमक मैंने थोड़ा लिया है क्योंकि डब्बे के मसाले में भी होता है। और ये 2 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये नेशनल वालों का एक का मसाला है, ये देखें। और जो है ये गरम मसाला है। और ये कुटा हुआ ज़ीरा है। और मस्टर्ड पाउडर है पूरा 1 चम्मच, ठीक है। और ये सारे मसाले हम इसमें मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सिरका, ठीक है, विनीगर। और 1 चम्मच जो है चिल्ली सॉस डालेंगे। और 1 चम्मच जो है सोया सॉस डालेंगे। और ये लीमू है। अब हम इसमें जो है तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हम इसमें दही भी डालेंगे 2 टेबल स्पून। और जो है जर्दे का रंग भी डालेंगे, चाहे तो आप फूड कलर कोई भी ले सकते हैं, मतलब जैसे जर्दे का रंग ही ना हो लेकिन वो हो रेडी, तो उससे अच्छा ही कलर आता है। और ये मस्टर्ड पाउडर तो आपको पता है बहुत ज़रूरी होता है, ये ब्रोस्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें, अब इसमें डालेंगे हम दही 2 टेबल स्पून, ठीक है, ये 2 टेबल स्पून दही हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे जर्दे का रंग बिल्कुल आधी चमची के बराबर, ठीक है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, अब हमारी चिकन रेडी हो गई है मैरिनेट के लिए। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख के फिर 1 घंटे बाद हम इसे फ्राई करेंगे, ठीक है। कढ़ाई में डाला है हमने सरसों का तेल, इसको गर्म होने देते हैं। देखें गाइस, अब हमारी चिकन जो है वो रेडी है। और ये है मैदा, इसमें कुछ भी नहीं डालना आपको, नमक वगैरह। और हम चिकन को मैदे में कोडिट करके फिर फ्राई करेंगे। तो हमारा ऑयल जो है गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन, देखें, मैदे में इसे अच्छी तरह से कोडिट बनानी है इसकी। और एक दफ़ा में ही बनानी है, ये नहीं कि आप बार बार बनाएं, सही। अब हम इसी तरह से सारे पीस डाल देंगे ऐसा ऐसा। और इसे तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक छेड़ेंगे नहीं। इसका साइड हम चेंज करेंगे, 4 या 3 मिनट के बाद करेंगे, ताकि इसका जो भी मसाला है जो हमने लगाया है वो ऊपर हटे नहीं, वरना हट जाएगा अगर वो कच्चा रह जाएगा तो। तो ठीक है, अब हम इसी तरह से सारे डालते हैं। सो गाइज, हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इससे बिल्कुल आराम से जो है इसका साइड चेंज करके देखते हैं। वैसे मुझे लग तो रहा है कि हो चुकी है नीचे वाला हिस्सा फ्राई, तो फिर भी इसे हम बिल्कुल आहिस्ता से साइड इसका चेंज करेंगे ताकि इसकी कोऑर्डिनेट ना हटे। मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल आराम से और स्लो, जिससे आपको बेहतर लगता है। अगर आप चाहें तो चमचे की मदद से इसका साइड चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो आप चिमटे से भी कर सकते हैं, वो उससे भी आसानी रहती है। तो ठीक है, हम सारे साइड इसके चेंज करते हैं फिर।
देखें अब इसे भी कुक होते हुए जो है तकरीबन हो चुके हैं 4 से 5 मिनट। अब देखेंगे हमारी चिकन जो है, अभी इसे हम चेक करते हैं। पहले तकरीबन ये गल चुकी है और अब हम इसे थोड़ा तेज आंच पे रख देंगे ताकि जो है ना इसमें करारापन आ जाए। तेज आंच पे थोड़ा इसको फ्राई करेंगे हम ताकि क्रिस्पी हो जाए। ठीक है, चिकन हमारी रेडी हो चुकी है, ब्रॉस्ट तैयार हो गए हैं। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से। तो सो गाइस, इसी ऑयल के अंदर हम अपने फ्राइज तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आलू पहले से ही काट के रख लिए थे। और इन आलूओं में मैंने 2 टेबल स्पून अरारोट यानी कि कॉर्नफ्लावर डाला था और चुटकी नमक डाला था ताकि वो पानी ना छोड़ें, वरना जो है ना क्रिस्पी नहीं होंगे ये। और फिर इसे हम क्रिस्पी होने तक कुक करेंगे, फिर उसके बाद इसे भी हम उतार लेंगे। ठीक है, सो गाइस, माशाल्लाह से हमारे ब्रोस्ट तैयार हैं और हमारे आलू की चिप्स यानी कि फ्राइज़ भी तैयार हैं। इसे आप केचप के साथ खाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। फर्स्ट टाइम पूरा दें, वीडियो को सीन कट के छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें, देखें बिल्कुल क्रिस्पी और नरम अंदर से तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।